2007 दे विच सरकार अखौती पंथक वालियां दी आउंदी है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा सवांग रचाण दा केस दर्ज होंदा है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा सवांग रचाण दा एडा वड्डा करम कीता होवे ते अखौती पंथक सरकार उहदे सिर ते हाथ रख के उहनूं मक्खी दे विचों जिवें वाल कढ्हीदा है उस तरीके नाल केस दे विचों कढ लवे। 7 साल गुरु गोबिंद सिंह जी की बेअदबी करन दा केस उसते चलिया, उन्हों पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया सुखबीर बादल वालों समुचे बादल परिवार वालों, तो उसकी 2015 दे विच दोबारा हिम्मत पई बरगाड़ी च बेअदबी करा। हर रोज़ नैशनल मीडिया किसी सिख नूं बुला के जलील भी करता है और उन्होंने कटहरे च खड़ा करके पुछता भी तू दस तू अत्तवादी हैगा कि नहीं हैगा, तू अत्तवादियों के नाल हैगा कि नहीं हैगा। उदों इन्हों अधरंग हो जाता इन्हों की जबान जो इन्हों पुछो भी भाई जे इस पंजाब की धरती से हुण तक का सब तो वड्डा अत्तवादी हमला जे कोई होया तो मौड़ बंब धमाका। और मेरी फिर बेनती है भी असी मानसा पार्लीमेंट के जाके गल कर सकते हैं, असी मीडिया के जाके जिथे कितने सानू मौका मिलता पूछिए तो सही भाई साडियां जमीनां तीजे दिन दिल्लियों टीम आती है 32 कनाल जब्त 7 मरले का मकान जब्त, भाई जिहड़ा नूह दे विच मवाद दे विच हिंसा हुई है किसी की प्रॉपर्टी जब्त की है। अजनाला घटना की जिहड़ा पंचकूले दे विच जिस दिन इहनूं सज़ा सुनाई गई है राम रहीम नूं उत्थे जिहड़ा खरूद मचिया जिहड़ी भन तोड़ हुई कि वह अजनाले घटना तो छोटी घटना सी, दसो कि NSA लगी है कि प्रॉपर्टी जब्त हुई है। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 2007 तो लैके 2017 तक का 10 साल का समा, वो समा जदों ये दावा किया गया कि बड़े चिरां बाद पंथ की सरकार आ गई, और ये एक दहाका इहो जिहा जदों पिछले दहाकियां वांग सानू अपणियां ने अपना कह के इहो जे जख्म दिते इहो जिहा शरीरक ते मानसिक तशद्दद दिता जिहड़ा इतिहास का हिस्सा बन गया, और अपने आप दे विच हुण तक दे होए जिन्ने भी साडे ते तशद्दद होए भारतीय स्टेट दे करिंदियां ने कीते उहदे नालों थोड़ा जिहा वक्खरा भी है। 2007 दे विच सरकार अखौती पंथक वालियां दी आउंदी है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा सवांग रचाण दा केस दर्ज होंदा। 2007 तो लैके 2014 तक उस केस दे विच इंसाफ लई धरने मुजाहरे शहीदियां तक होंदियां झड़पां होंदियां आमो सामने, और इस दौरान अखौती पंथक दल 2007 तो लैके 2014 तक आने वाली 3 चोणां दे विच राम रहीम कोलों मदद लैंदा है, इसे ही पंथ दे मुजाहरियां दी तलवार राम रहीम दे सिर ते लटका के 2009 दियां लोक सभा चोणां, फिर 2012 दियां विधानसभा चोणां, फिर 2014 दियां लोक सभा चोणां, ते 7 साल बाद इस केस दे विचों उहनूं डिस्चार्ज करवा दिंदा। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा सवाग रचाण दा एडा वड्डा कुकर्म कीता होवे ते अखौती पंथक सरकार उहदे सिर ते हाथ रख के उहनूं मक्खी दे विचों जिवें वाल कढ्हीदा है उस तरीके नाल केस दे विचों कढ लवे। 7 साल गुरु गोबिंद सिंह जी की बेअदबी करन दा केस उसते चलिया, उहनूं पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया सुखबीर बादल वालों समुचे बादल परिवार वालों, तो उसकी 2015 दे विच दोबारा हिम्मत पई बरगाड़ी च बेअदबी करा दी। एक जेब कतरे नूं शह दे के डाकू बनाया गया। जे 2007 दे केस दे विच कोई अंजाम निकलिया हुंदा कोई रिजल्ट मिलिया हुंदा तां 2015 दी बेअदबी होनी नहीं सी, जे बेअदबी ना हुंदी बैबल कला ना हुंदा कोटकपुरा ना हुंदा, ते जे बैबल कला ना हुंदा तां नवीं सिख लीडरशिप दा उभार ना हुंदा, उस उभार नूं ठल्लण वास्ते मौड़ बंब धमाका ना हुंदा जिहदे विच 7 निर्दोष मारे गए। पंजाब दे विच जदों नवीं सिख लीडरशिप इस संघर्ष दे विचों उभर रही सी वह 2017 दियां विधानसभा चोणां राहीं किते सरकार च ना आ जावे उस तो कुछ चिर पहलां मौड़ बंब धमाका कराया गया। यह 10 सालां दी इक लड़ी दे विच होईआं घटनावां, असीं इहनूं अध अधूरा जिक्र करके इस लड़ी नूं तोड़ दिंदे आं। और अज जदों असीं मीडिया दे विच
हर रोज नैशनल मीडिया किसी सिख नूं बुला के जलील भी करता है और उन्हें कटहरे च खड़ा करके पुछता भी तू दस तू अतवादी हैगा कि नहीं हैगा, तू अतवादियों के नाल हैगा कि नहीं हैगा। उदों इन्हां नूं अधरंग हो जाता इन्हां दी जबान नूं जदों इन्हां नूं पुछो भी भाई जे इस पंजाब की धरती ते हुण तक दा सब तो वड्डा अतवादी हमला जे कोई होया ते मौड़ बंब धमाका होया उसके बारे जिक्र क्यों नहीं करते? कोई मीडिया, कोई DGP, कोई विरोधी पार्टी, कोई सत्ताधारी पार्टी मौड़ बंब धमाके का जिक्र क्यों नहीं करती? क्योंकि इन्हां दे अखौती अतवाद का रौला उत्थे धरिया धराया रह जाता है। अज तक नहीं दस पाए कि उस मौड़ बंब धमाके का सूत्रधार कौन सी जिसका मकसद सिर्फ ते सिर्फ सिख लीडरशिप के उभार नूं रोकना सी ताकि लोगों नूं डराया जा सके भी जे सिखां दी नवीं लीडरशिप उभर आई तो इत्थे अतवाद फैल जूगा। अज हर रोज फिर सानूं जलील किया जा रहा असी अतवादी होए कि नहीं इहदियां सफाइयां दिंदे फिर रहे हैं। और बड़ा बेहतर किया मान साहब ने पिछले दिन डिबेट के एक लफ्ज़ का ही डिबेट के जिहड़ा जवाब सी उह सारी समुची कौम का इन्हां नूं जवाब है भी इह तुहाडे सवालों का जवाब देने की लोड़ ही नहीं, तुहाडे लई लफेड़े ही बहुत ने। क्यों सफाइया दईए असी? जिस दिन असी मीडिया च बैठ के चैनलों पर बैठ के सफाइया देनिया शुरू कर दें उस दिन असी दूजे दर्जे के शहरी बन जाने। और मेरी फिर बेनती है भी असी मान साहब पार्लीमेंट के जाके गल कर सकते हैं, असी मीडिया के जाके जिथे कितने सानू मौका मिलता पूछिए तो सही भाई साडियां जमीना तीजे दिन दिल्लियों टीम आती है 32 कनाल जब्त, 7 मरले का मकान जब्त, भाई जिहड़ा नूह दे विच मवाद दे विच हिंसा हुई है किसी की प्रॉपर्टी जब्त की है, राम रहीम के डेरे जब्त किए जिहड़ा कि दोषी साबित हो चुका है। दसो अजनाला घटना कि जिहड़ा पंचकूले दे विच जिस दिन इहनूं सज़ा सुनाई गई है राम रहीम नूं उत्थे जिहड़ा खरूद मचिया जिहड़ी भनतोड़ हुई कि वह अजनाले घटना तो छोटी घटना सी? दसो किहदे ते NSA लगी है, किहदी प्रॉपर्टी जब्त हुई है? क्योंकि असी नंगे धड़ पिठ ना पिठ जोड़ के बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह वांग खुले मैदान च लड़ रहे हैं। साडे कोल आपदा लड़न लई किला भी है नहीं, वो साडा किला है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। जदों किले चों लड़ांगे तां ऐ बिखरे फिरदियां इस करके सिर्फ शहीद होने लई लड़ाई नहीं लड़ांगे भी सिर्फ लड़के तो होना है, पता है जित नहीं होनी। जदों किले चों लड़दे हाँ फिर असीं लखां ते भारी पैंदे आए हाँ, ये असीं साबित कीता पहलां अपना किला बचाईए। सो ये बेनती है साडी भी इस सीरीज नूं जदों असी बरगाड़ी की 2007 की बहबल कलां की गल करिए मौड़ बंब धमाके की गल नूं जरूर नाल रखिए। इन्ना ही तुहानूं बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 2007 तो लैके 2017 तक का 10 साल का समा, वो समा जदों यह दावा किया गया कि बड़े चिर बाद पंथ की सरकार आ गई, और ये एक दहाका यहोजा जदों पिछले दहाकों वाग सानू अपन ने अपना कह के यहोजे जख्म दिते, यहोजा शरीरक ते मानसिक तशद्दद दिता जिहड़ा इतिहास का हिस्सा बन गया। और अपने आप दे विच हुण तक दे होए जिन्ने भी साडे ते तशद्दद होए भारतीय स्टेट के करिंदियां ने कीते उहदे नालों थोड़ा जिहा वक्खरा भी है। 2007 दे विच सरकार अखौती पंथक वालियां दी आउंदी है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा स्वांग रचाण दा केस दर्ज हुंदा है। 2007 तो लैके 2014 तक उस केस दे विच इंसाफ लई धरने मुजाहरे शहीदियां तक हुंदियां झड़पां हुंदियां आमो सामने, और इस दौरान अखौती पंथक दल 2007 तो लैके 2014 तक आने वाली 3 चोणां दे विच राम रहीम कोलों मदद लैंदा है। इसे ही पंथ दे मुजाहरियां दी तलवार राम रहीम दे सिर ते लटका के 2009 दियां लोक सभा चोणां, फिर 2012 दियां विधानसभा चोणां, फिर 2014 दियां लोक सभा चोणां ते 7 साल बाद इस केस दे विचों उन्हूं डिस्चार्ज करवा दिंदा है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा सवाग रचाण दा एडा वड्डा कुकर्म कीता होवे ते अखौती पंथक सरकार उहदे सिर ते हाथ रख के उन्हूं मक्खी दे विचों जिवें वाल कढ़ीदा है उस तरीके नाल केस दे विचों कढ लवे, 7 साल गुरु गोबिंद सिंह जी की बेअदबी करन दा केस उस ते चलिया, उन्हूं
पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया सुखबीर बादल वालों समुचे बादल परिवार वालों।